लाल किला कौन इनके चिच्चा बन जाता हाँ झंडा उड़ा दूंगा विश्वरूपा। मैं बोला बाबा बाबरी मस्जिद तोड़ दो, विदेशी बनाया है तो फिर लाल किला कौन तुम्हारे बाबा बन देते। हमको बीजेपी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है और कांग्रेस से जेडीएस से कोई भुत्ती बड़ी मोहब्बत भी नहीं है। आज खौफ हम सबको भी एक ही नजरे से देख रहे, योगी जी बेचारे जन्य हो रहा नहीं उनको, इसके वास्ते आबादी बढ़ रही। तू ने कर लिया मेरी गलती क्या है? योगी तू होना था बस शादी, अगर तेरे में अगर तुझे तू अगर ब्रह्मचारी बना तो मेरी गलती। चावल कितने के हैं, सालन कितना का है, तेल कितना का है योगी को मालूम है? जो रोना बच्चे आगे ना पीछे, तो इनके हाथ में चीफ मिनिस्टर की मिले तो मुल्क कैसा चलेगा। मैं उन्हें बोला डिग्री कॉलेज के अंदर जो है हमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन देखो है, अशोक नारायण बोले उन्होंने जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कंपलसरी नहीं बोल के, और एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई, वो भी बोला नो सर वी हैव टोल्ड इट बोल के। बदकिस्मती से कोर्ट को क्या बोले नहीं मालूम मुझे, कोर्ट को सिर्फ इतना बोलना था कि पर्दा पहन के लड़की जा रही है, बुरखा पहन के नहीं जा रही। तो ये अगर रखते तो इसके ऊपर कोर्ट क्या बोलता वो ऑब्जर्वेशन देखना था। मेजॉरिटी वोट खोने के डर के बजाय जो है माइनॉरिटी वोट खो रहे हो, नफा कमा ले जाकर कैपिटल गंवा ले रहे, ऐसे बेवकूफा काम ही नहीं रहे क्या? पानी भर को भरने वास्ते मटका लग जा रहेगा तो है उससे सब सुराख अंदर लग जा रहे हैं, फिर पानी कहाँ रहा है? सवाल सिंपल है, कभी भी हिजाब 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 हमारे लोग भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हिजाब का माना क्या? पल्लो। बुरखा अलग है, हिजाब अलग है, सर का पल्लो अलग है, बुरखा अलग है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी इज्जतदार औरत है बगैर पल्लो के नहीं है, हिंदू रहो मुस्लिम रहो, इंदिरा गांधी रहो प्रतिभा पाटिल रहो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कित्तूर चन्नम्मा पर्दा सर पे डाल के जंग लड़े। पर्दा नको बोलते क्या? बुरखा कॉलेज के बाहर खोल कर रखो है ठीक है, जब कॉलेज के अंदर गए तो सर के ऊपर पल्लो नको कर की बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं उठा रहे। ओरिजिनल कोर्ट के सामने भी यही उठना था, हिजाब हिजाब वो कल मुस्लिम कल्चर मुस्लिम कल्चर, इंदिरा गांधी पल्लो डाली मुस्लिम कल्चर क्या, कित्तूर चन्नम्मा पर्दा डाली सर पे मुस्लिम कल्चर क्या? इट इज़ नॉट ए मुस्लिम, औरत की लाज है वो, सर पर पल्ला जो है औरत की लाज है। तो औरत को बगैर लाज के फिरो बोल के कौन गवर्नमेंट बोलती, कौन कोर्ट बोलता? तो मेरी दरख्वास्त यही है कि अभी फॉरेन एडवोकेट जो है हाईकोर्ट के अंदर इंटीरियम एप्लीकेशन डाल के द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड पर्दा, व्हाट इज पर्दा व्हाट इज हिजाब, ये फर्स्ट इसका क्लैरिफिकेशन जजेस को पता है क्या? ये चीज जो है उठाना जरूरी है। तो इसलिए मैं रियासत के पूरी आवाम को कहता हूँ हिजाब का नाम ही मत लो, सिर के ऊपर पल्लो नको कर रही, सिर के ऊपर पर्दा नको कर रही, क्या करना है हमें ये सुनो उठाओ। ये अगर उठे कोई हिंदू भी जो है आपको खिलाफ नहीं करता, ए थली मेल शर्गा को बैड अंतर यावन हेड़ा मुंडे मग करी रही पूरा स्वामी है गिमिया तुम्हारे पीछे पड़ते। नंबर वन। नंबर टू यूनिफार्म, हमें यूनिफार्म के खिलाफ नहीं, तुम्हारा क्या है सलवार कमीज दुपट्टा, तुम्हें खांदे पर डालती हमें सर पर डालती फर्क होता है? तो इसे लड़ाया कहीं को, अगर तुम्हें दुपट्टा है खांदे पर डालने के बजाय सर पर डाल लेते अलो करो तुम्हें, इसे कोर्ट कौन सा कोर्ट नको कर बोलता? वो जात मालूम होती, अब नाम से नहीं मालूम होती क्या? अब कॉलेज में अटेंडेंस पुकारते स्टेम को फातिमा बी वणजाक्षी मीनाक्षी जहीरा बेगम, अब क्लास में ये कथा आना कर को नामा भी अलग रख लेना। अरे बेवकूफा है, तुम्हारा धर्म आइडेंटिफाई होता फिर नामा तो धर्म के छे, फातिमा हाजिर हो सर तो मालूम नहीं हो मुसलमान नहीं कर को, जहरा भी हाजिर हो मालूम नहीं मुसलमान को, मंजुला लक्ष्मी मालूम नहीं उन्हें हिंदू के। अरे बेवकूफा तुम्हें क्लास में सो बच्चों को इसकी फिक्र नहीं है, बाहर जो है जो काम नहीं सो बैठे सियासतदान उनको इसकी फिक्र है कि भाई ये कर रहे। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा
ये लोग कोशिश कर रहे हैं। गो हत्या, उनकी अम्मा फेल हो गई, बस स्टैंड में गया ज़्यादा हो गए, वो चला नहीं, राम मंदिर किस्सा ख़त्म होगा कोई में। अब ये दुपट्टा देखे, ये भी बहुत ज़ोर से पकड़ता, गाँव गाँव में दंगे होते हैं कहीं कौन भी वहाँ से शाला डालने तैयार नहीं, का भी क्या शाल हुआ भगवा शाल है। अरे बेखूफ मेरे बेटा था वो जाफरान शाह खाजा बंदन आवाज चिश्तिया का निशान वो, अब तुम्हें वो डाल ले फिर बड़ी खुशी की बात है, हमारे फकीरा डालती वो हमारे फकीरा डाल रही, सो चिश्तिया का तुम्हें डाल रही, बड़ी इज्जत की बात है, सब हमला भी दे वो हमारे बच्चे भी डाल लेते हैं क्योंकि चिश्तिया का रंग है वो, वही रंग चिश्तिया सिलसिले का रंग है, केसरी शाह केसरी हो उन्हें वो देख हौद्रे अजमेर था हौद्रे इधे बाउट आई थे नमदे तला का हमारा निशान है वो चिश्तिया सिलसिले का, रोसिया का हरिया है, चिश्तिया का है भगवान झंडा निशान है, तो इसलिए रिफाया का काला है, हर एक सिलसिला का एक एक निशान है, तो खादिया का हरिया है, तो तुम्हें ये भगवा दाल ले जा रही क्या कि प्रौढ़ धर्म हमना इसे तुम्हें रंगे है तो भी हमना परवाह नहीं, कपड़े पहनने कहे तो भी हमना परवाह नहीं, हमें अब जैन के स्वामी नंगे उनकी इज्जत कर रहे नहीं, हमें क्या तो बोले नहीं उनका धर्म ठीक है तुम्हें मान ले गए, अब तुम्हें वहाँ देवदासियाँ मना रही हमें क्या तो बोले तुम्हारी आबरू तुम्हें नहीं तुम्हें बने देवदास हमें क्या करी, हमें हमारे में जो है भया आबरू पर्दा हमारी खूबसूरती को जो है हमें छुपा को रखना चाहती है, ये हमारा उसूल है। मैं मेरी बेटी को बाप देखना, भाई देखना, भान देखना या तो मर्द देखना, इसके अलावा कौन भी नहीं देखना, ये हमारा कानून तो उसमें है, तुम ना की फिक्र रहे, मेरे बेटी हिजाब डालने से तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है बोलो ना, आइडेंटिटी मालूम होता है, आइडेंटिटी नाम से मालूम होता नहीं, तो ये चीज जो है तुम्हें एक्चुअली जजेस जो है ये चीज उठाती कोर्ट में कहने का, और ये और पूरे वीरशैव मठ के स्वामी जी से भी मेरा अपील है कि आपे पूरा भर को डाल ली हेमरेड्डी मल्लम्म पूरा पल्लो पेन को थी वीर से धर्म में पल्लो नहीं है गर्बल को है क्या कहा, तो शर्ग हाक बेक शर्गे नारी के शोभान शर्गे नारी के वो गौरवितवाद लक्षण महालक्ष्मी कंडन कांता तो की हो तुम्हें आज पर्दे को नकोकर को ये लोग बोल रहे तुम्हें की नहीं इसके खिलाफ बोल रहे, तो स्वामी जी से भी मेरी अपील है इंशाल्लाह 25 तारीख से मैं इसका दौरा करता हूँ, ये काम को जाकर खड़ता बोल के नहीं मालूम, हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता कहने का मालूम नहीं, तो उसके वास्ते हमें जो है हर चीज़ के वास्ते अवाम हम लोग तैयार हैं, हम झगड़े गुजारने के वास्ते छोड़ने तैयार नहीं है, लेकिन एक एक करके हमारे शरीर मामले में अगर हाथ डालते रहे हमें खामोश भी बढ़ते नहीं, खामोश भी बैठते नहीं, होश के टेम्पो जोश दिखाना हिमाकत है, जोश के टेम्पो खामोश रहना बुजदिली है, तो इसलिए मैं खाम से अपील करता हूँ होशियार रहो जम के रहो, बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर इसका जवाब मिलेगा, मार्च 10 तारीख के बाद हिंदुस्तान के हालात बदल रहे, यूपी के इलेक्शन के बाद रिजल्ट अलग हो रहा है, यहाँ भी अलग हो रहे, अब जो है अब इनको योगी जी बेचारे जन्ने हो रहा नहीं उनको ना जन्माने हो रहा पहले फिर रहा उन्हें, तो इसके वास्ते आबादी बढ़ रही तू नहीं कर लिया तो मेरी गलती क्या, तो इसलिए मैं आवाम से कहता हूँ कि भाई बेचैन ना हो, बच्चों को जो है ज़्यादातर नारे लगाने या बातें करने कैमरास के सामने बच्चों को मत भेजें, वो घर की अमानत है घर में रखें, फ़ोन से हम इतला करें हमें जो है उसका जवाब दें, अशोक नारायण बोले जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कंपलसरी नहीं बोल के, और एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई वो भी बोला नो सर वी हैव टोल्ड इट बोल के, अब जो है चंद कॉलेज वाले एक्स्ट्रा लॉयल्टी दिखाने वाले प्रिंसिपल हजरत हैं जरा
वो जरा बच्चा तंग कर रहा है, ये वो कर रहा है, बोल करी पुलिस भी जो है आज से उनको भी इंस्ट्रक्शन है कल से पुलिस भी नहीं जाती हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है भाई, लंगे फिरो कर बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता क्या इंडिया का, तू नंगा जाकर को। अरे सिर पर पल्लो डाल लेती तो नको कर बोला तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रही हूँ। फोटो दिखाओ इंदिरा गांधी का, प्रतिभा पाटिल का, बगैर पल्लू के है क्या उन्होंने? इंदिरा गांधी कहाँ भी तकरीर करी पल्लो के साथ, कहीं भी टूर करी तकरीर। प्रतिभा पाटिल इंडिया के प्रेसिडेंट, तो की नहीं प्रतिभा पाटिल को तुम्हें पल्लो निकालो कर की नहीं बोले? मुसलमान को टारगेट भी टारगेट कर रहे, वो भी हिजाब कर रहे। पल्लो शर्गु शर्गु नहीं बोल रहे, शर्गु बोले सपड़ जाती है ना। खाली हिजाब हमारे आदमी भी बेखौफा हिजाब 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 को तो शरीयत कुरान कर समझ ली। अरे हिजाब को तो कपड़े का पल्लो बाबा, उसे खोल को बोलो तुम्हें, पल्लो को हिजाब बोलती सिर पर ओढ़ने की उसे हिजाब बोलती। तो ये पहले से आ जाता 90% आवाम जो है वो है भिड़ले तले मेल शहर का कर बैठा। इलकल की साड़ी 16 फीट की कई को आती थी, 8-9 फीट साड़ी रही तो 6 फीट पल्लो रहता था उसमें, पूरा जिस्म छुपता था उसमें। वो कर्नाटक की संस्कृति, वो क्या मुसलमाना का बुरखा क्या इलकल की साड़ी? उसे कौन भी मेरे बातों को ना आज तक बीजेपी वाला जवाब दे रहा ना गवर्नमेंट जो है काउंसिल में जवाब दे रही। आज जाको मिल को एंकर बोल को बोले मुफ्ती, मैं अमीर शरीयत को फ़ोन कर रहा था, डीजीपी सूद के साथ मिले के डीजीपी को बात कर रहा, सूद भी बोले। हालांकि डीजीपी अच्छा है, इज़ अ गुड मैन, सेक्युलर माइंड का है। हमारी पुलिस जो है 90% एक 10% इधर उधर चलता, अब रहता ट्रांसफ़र करने वाले उन्होंने एक जगह बात मानते हैं, लेकिन 90% ला अबाइडिंग पुलिस है, ऑफिसर्स भी है। अब वो मणिवर्णन ने एक लिखा गलत लिख रहे, अभी मणिवर्णन को लिखियो मैं हिजाब नहीं डालना करो, कि ने सेक्युलर इश्यू कराया रेजिडेंशियल स्कूल्स में, उर्दू स्कूल्स में। मैं उससे पूछ हु आर यू, Who told you to do this? Did you taken the approval of the government? Or you have done on your own? How we can, tomorrow we can put it in the house also? कि घर में भी नहीं पहनना तो कल भेजेंगा। रेजिडेंशियल स्कूल है वो, वहाँ से रहती हूँ मौलाना अबू कलाम आज़ाद स्कूल्स वो, तो वहाँ ये कैसा जारी होता? हिजाब का मसला जो है पीयूसी तक था, और बदकिस्मती से चंद उलमा जो है इसके खिलाफ जो है ये मसले को बिगाड़ दिए, पहले ठीक कर सकते थे। चंद उलमा की राय है, और चंद उलमा की राय जो है बिल्कुल शरीयत के खिलाफ, हमको कोई भी इकदाम नहीं उठाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी उलमा से अपील है कि इस मामले में ये एक राय बनाए। ये उलमा कोई कह रहे थे ना भी कोई एक चीज़ ख़राब है, अगर छोटी खराबी है तो बड़ी खराबी को रोकने के लिए छोटी खराबी को अपना सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया में एक चल रहा है क्लिप, एक वो मौलाना कौन क्या कर को मुझे मालूम नहीं। तो छोटी खराबी का इसका मतलब क्या, बड़ी खराबी क्या? तो इसलिए मैं मेरे शरीयत से मेरी दरख्वास्त है कि वो फौरन इन चीज़ों के ऊपर जो है वजाहत दे, और मेरी आज उनसे बातचीत हुई फ़ोन के ज़रिए। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर नागेश से बात हुई, वो बोले कि हम डिग्री कॉलेजेस को ये लागू नहीं किए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का जो है पीयूसी कॉलेज की हद तक। लेकिन मुझे जो इतलात आ रहे हैं, लोग कॉलेज के नाम नहीं बोल रहे, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा, अब वो फलाने ऐसा हो रहा। स्पेसिफिकली मैं कौम से दरख्वास्त करता हूँ, किसी कॉलेज में अगर कोई गड़बड़ हुई कहीं रोके, वो कॉलेज का नाम, गांव का नाम, वो प्रिंसिपल का नाम अगर मुझे दिए तो मैं जो है बात कर सकता हूँ। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, कांग्रेस तो बिल्कुल फैसला कर दी कि नहीं उठाना ये, पूछना नहीं। लेकिन मैं शरीयत के तहत हूँ,
शरीयत के मातहत होने की वजह से मुझे शरीयत के तहत काम करना है, शरीयत तहत पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये पार्टी का मामला नहीं है, ये अखिलियती कौम का मामला है। तो हमने किसी की भी पूछने की ज़रूरत नहीं। दफनाते स्टेम्पो कफन कैसा देना पार्टी को पूछ दे क्या? मट्टी डालते स्टेम्पो कैसा मट्टी डालना पार्टी को पूछ दे क्या? 1400 साल पहले फैसला हो गया है, दफनाना कैसे, कफन कैसा देना, नहलाना कैसा, मट्टी कैसा डालना। तो अब नए मुसलमानों को ज़रूरत पड़ेगी पूछने की, हमना उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले पे आप रोड पे ना आए। ख़ास तौर पर मेरी बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि आपको कॉलेज में अगर नहीं ये करें फौरन घर को आए, हमें रابطہ करें, हमें सुनाएं, हम जो है उन कॉलेज वालों से करेंगे। तो आज डीजी सूद से भी मेरी बातचीत हुई, तो वो उलमा भी जाके उनसे मिले हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबको हिदायत दिया है कॉलेजेस के अंदर जो है पुलिस कहीं भी मुदाखलत नहीं करना, ये कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज का काम है, स्टूडेंट का काम है, वहाँ पुलिस को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पुलिस मुदाखलत मत करें। आज जो है वो डीजी जो है इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। तो उलमा का एक तबके का कहना है कि भाई हाईकोर्ट के आर्डर को देखें, और मेरा यही है, एनआरसी में हम देख चुके हैं, ये दूसरा जो है एनआरसी टाइप ही जो है इसको उठाना, क्योंकि वजह क्या है, कल से शुरू किए वो, देवल में घंटी बज रही थी, पुलिस नोटिस दी, पुलिस करी सो गलत आवाज़ को क्या, सीधे बैल को मारे तो डाया बैल आवशार होता। अब मंदिर की आवाज़ को नोटिस देने वाले मस्जिद को छोड़ दी, उनको दिए, इनको किए नहीं दिए, अब ये शुरू होता, अज़ान बंद करो, आवाज़ बंद करो, पोल्यूशन है, पोल्यूशन बोर्ड है। ये इलेक्शन के करीब जो है छेड़ा छेड़ी करने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से कर रही। अब हुकूमत जो है बम्बई से बातचीत करते समय पर लगा वो मजबूर है, उनको एक तरफ से हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ से संघ परिवार का एजेंडा, इस दो के बीच में फंसे थे। लेकिन येडियुरप्पा भी उसी तरह फंसे थे, वो चला लेके आए। तो आज बसराज बोम्मई से भी मेरी मुलाकात हुई सरासरन तफसीलन जो है मुलाकात करके, उससे भी मैं बोला हूँ भैया मसला बिगड़ने मत दो।